उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम यादव की जमीन की पैमाइश करने गए तहसील प्रशासन और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद के बाद बलराम यादव के परिजनों के ऊपर प्रशासन द्वारा एकतरफा कार्रवाई से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं एक तरफ एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इस सिलसिले में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। वहीं पूरे प्रकरण को देख सिटी मजिस्ट्रेट बी प्रसाद धीरे से निकलते बने। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि अधिवक्ता बलराम यादव को जानबूझ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके परिवार का ही मामला था, उनके चाचा वाचा जमीन वमीन का मामला था। वहाँ तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार वहाँ गए थे पैमाइश वमाइश के चक्कर में, कुछ आपस में उनके परिवार से और नायब साहब से कुछ लफड़ा हो गया। नायब साहब ने रंज होकर के SDM साहब को अपनी पूरी बात अवगत कराया कि यहाँ पैमाइश में ये समस्या आ रही है। SDM साहब ने उसी रात को 3 महिलाओं को गिरफ्तार करा लिए मौके पर। जी, क्या मामला है जिसको लेके आ जाओ? यह मामला एक हमारा जब तक परिवार है, हमारे सिविल कोर्ट सेंट्रल बार के एक सदस्य हैं बलराम यादव जी। हाँ। ये उनके परिवार से संबंधित मामला है। हाँ। ये कल जो है पुलिस प्रशासन और तहसील के लोग वहाँ गए तो उनका कहना यह है कि हमारे जमीन को जबरदस्ती उन्होंने अतिक्रमण करा कर कब्जा कराया। हाँ। और महिलाओं और पुरुषों को ले आकर आज बड़ थाने में बैठाए रखा गया। जी, थाना पर बैठाए रखने के बाद उनका सुबह 151 में एक पक्षी चालान हुआ है, जबकि सब शांति भंग की संभावना जब होती है तो दोनों पक्षों का चालान उसमें होता है, लेकिन इस मामले में एक पक्षी रूप से 151 में चालान किया।